कोरोना महामारी के विरुद्ध जो युद्ध देश ने छेड़ा है उसमें हिंदुस्तान को 130 करोड़ देशवासियों को विजय प्राप्त हो। काशी का सांसद होने के नाते मुझे ऐसे समय आपके बीच होना चाहिए था, लेकिन आप यहां दिल्ली में जो गतिविधियां हो रही हैं उससे भी परिचित हैं। यहां की व्यस्तता के बावजूद मैं वाराणसी के बारे में निरंतर अपने साथियों से अपडेट ले रहा हूं। साथियों, याद कीजिए, महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण महारथी थे, सारथी थे। आज 130 करोड़ महारथियों के बलबूते पर हमें कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीतना है। इसमें काशी वासियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। काशी के बारे में कहा गया है, मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अधहानी कर, जहां बस शंभु भवानी, सो काशी से ही कसना। अर्थात ये ज्ञान की खान है, पाप और संकट का नाश करने वाली है। संकट की इस घड़ी में काशी सबका मार्गदर्शन कर सकती है, सबके लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है। काशी का अनुभव शाश्वत, सनातन, समयातीत है, और इसलिए आज लॉकडाउन की परिस्थिति में काशी देश को सिखा सकती है संयम, समन्वय और संवेदनशीलता। काशी देश को सिखा सकती है सहयोग, शांति, सहनशीलता। काशी देश को सिखा सकती है साधना, सेवा, समाधान। साथियों, काशी का तो अर्थ ही है शिव। शिव यानी कल्याण। शिव की नगरी में, महाकाल महादेव की नगरी में संकट से जूझने का, सबको मार्ग दिखाने का सामर्थ्य नहीं होगा तो फिर किसमें होगा? साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए देश भर में व्यापक तैयारी की जा रही है, लेकिन हम सबके लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, ये ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग, घरों में बंद रहना इस समय एकमात्र उपाय है, बेहतर उपाय है।